हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भूक्षरण को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। मानवीय व प्राकृतिक कारकों की क्रियाओं से भूमि की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इससे भूमि अपनी उर्वरता खो देती है। इसे मृदा अपरदन या भूक्षरण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसे रोकने के कुछ उपाय। फसल चक्रण। बारी बारी से फसल उगाने से मिट्टी का कटाव कम होता है, क्योंकि अवशेषों की परत ऊपरी मिट्टी को हवा और पानी से दूर ले जाने से रोकती है। संरक्षण कृषि। इस खेती में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता या फिर कम जोता जाता है। इससे मृदा अपरदन नहीं होता है। समोच्च खेती। पहाड़ों के चारों ओर पंक्तियों में फसल उगाने से भूमि कटाव कम होता है। पट्टी खेती। फसल चक्रण में बारी बारी से लंबी पट्टियों में खेतों का रोपण करना मिट्टी के कटाव को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। सीढ़ी नुमा खेती। पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा तरीके से खेती करने से भी मिट्टी का कटाव कम होता है। जल निकासी की सुविधा। भूमि को कई भाग में विभाजित करके और प्रत्येक भाग से अतिरिक्त जल को अलग करके भी मिट्टी के कटाव को नियंत्रित किया जा सकता है। घास लगाना। खेतों व अन्य जगहों पर हरी भरी घास लगाने से भी मिट्टी की पकड़ मजबूत बनती है। वृक्ष लगाना। पेड़ पौधों की जड़ें तथा शाखाएं मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। इससे मृदा क्षरण कम होता है। अब आप भूक्षरण या मृदा अपरदन को रोकने के काफी सारे तरीकों के बारे में जानते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।